अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं सदर में इम्प्रेस मार्केट के बैक साइड पे, और जहांगीर पार्क के बैक साइड पे एक फ्रूट मार्केट है जो कि इंतहाई सस्ती और मुनासिब कीमतों में ये लोग फ्रूट्स को फरोख कर रहे हैं। तो आप सबसे हम लोग ये रिक्वेस्ट करेंगे बजाय एरियाज से परचेज़ करने के, अगर आप यहाँ पर आएँ तो एरिया से कंपेरेटिवली आपको यहाँ पर बहुत ही मुनासिब कीमत में फ्रूट्स मिलेंगे। आएँ हम इन लोगों से बात करते हैं कि फ्रूट्स के क्या रेट्स हैं और किस हिसाब से इन लोगों को आता है और किस हिसाब से ये लोग यहाँ पर सेल करते हैं। 120 रुपये किलो भाई, आप प्यारे आओ, आ जा प्यारे, प्योर गोल्डन। 120 खून की बोतलें हैं। अच्छा, अब हम इनसे पूछते हैं सेब के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई आप? एहसानुल्लाह। अच्छा, आपका सेब का स्टॉल कब से है यहाँ पे? यार ये तो तकरीबन पहले 10 दिन हो गए यहाँ से मैंने लगाया हुआ सेब। हाँ, इससे पहले भी कहीं पे लगाते हैं या शुरू से यहीं से लगाते हैं? नहीं, यहीं से लगाता हूँ। अच्छा, ये सेब आता कहाँ से? ये क्वेटा से आता है, ज्यारत से। अच्छा, इसकी इसमें भी क्वालिटीज होती हैं या एक ही तरह का सेब होता है सारा? क्वालिटी होता है इसमें, गाजर सेब होता है, गोल्डन होता है, कुल सेब होता है, ये गोल्डन सेब है। तो सबसे बेहतरीन सेब कौन सा? सबसे बेहतरीन गोल्डन होता है। अच्छा अच्छा, तो आप हमें इनके रेट्स के बारे में बताएंगे कि इनके आम इलाके में इसके आज क्या रेट हैं और यहाँ पे दिन में क्या रेट्स थे और अभी इस वक्त रात के टाइम में क्या रेट है? दिन में तकरीबन 180-150 था, अभी 120-110 इस तरह है। तो इसकी वजह क्या है? क्या सुबह वाला जो आपका स्टॉक होता है वो अच्छा होता है या कोई और फर्क होता नहीं, है? सेब सेम सेब है। तो अभी इस टाइम पे सस्ता बेचने की वजह क्या है? खत्म करना है। अच्छा, क्या किलो है? हम इनसे पूछे हैं कि महंगाई से जो है इनके कारोबार पे इफेक्ट पड़ा है या नहीं, आइए इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? इदरीस मोहम्मद। अच्छा इदरीस भाई, ये बताएं जो अभी पिछले 1.5 महीने से जो है बारिशों का सिलसिला जारी है, तो इससे आपके काम पे क्या फर्क पड़ा है? बहुत फर्क पड़ा है, एक तो बारिश की वजह से, एक तो ऊपर से महंगाई है बहुत, एक तो बारिश की वजह से, दोनों की वजह से काम बहुत स्लो है, काम स्लो। तो महंगाई के बारे में आप क्या बोलेंगे? आप लोगों को पीछे से सामान महंगा आता है, फ्रूट महंगा आता है या मुनासिब रेट में ही आ रहा है? उधर से भी महंगा है, इधर बिकता ही नहीं। अच्छा। इधर बारिश होता है, बिकता ही नहीं, उधर महंगा लाता है। अच्छा, आप हुकूमत के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत किसकी होनी चाहिए अगली? उसको, वो तो हमारे को पता नहीं है। अच्छा, आपका अपना नजरिया क्या है? कैसा आपका अपना नजरिया क्या है कि अगला? इमरान खान। इमरान खान। आइए हम लोग इनसे पूछते हैं कि आप लोग यहाँ पे कब से कब तक आके ख़रीदारी कर सकते हैं, और इनसे ये भी मालूम करते हैं कि ये लोग किस टाइम अपनी परचेजिंग करने जाते हैं और किस टाइम यहाँ पे ताज़ा फ्रूट्स आपको अवेलेबल होगा, दस्तयाब होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? उबैदुल्ला। उबैद भाई, यहाँ आपकी मार्केट सुबह कितने बजे खुलती है? ये सुबह 9-10 बजे खुलती है। और आप लोग कब बंद करते हैं? और 3 बजे तक खुला रहता है, रात के 3 बजे। जी, तो आप लोग दोबारा से माल ख़रीदने किस टाइम जाते हैं? ये सुबह सवेरे जाता है। अच्छा, सुबह सवेरे जाते, मंडी से ही लेके आते हैं? जी, मंडी से। अच्छा, जो लोग इलाकों में फलों को फरोख कर रहे हैं उनके प्राइसेस बनिस्बत यहाँ के बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, तो वो भी मंडी से लेके आते हैं या वो लोग आपसे लेके जाते हैं? नहीं, वो हमारे से लेके जाता है फिर आगे बेचते हैं। अच्छा, मतलब आप लोग डायरेक्ट मंडी से लाते हैं? जी जी, हम लोग डायरेक्ट मंडी से लाते हैं। चलें, आइए मज़ीद लोगों से मालूम करते हैं कि इनके पास जो फ्रूट्स की क्वालिटी है वो क्या है और रेट्स में क्या डिफरेंस है। हमारा मेन मोटिव है कि यहाँ पर जो प्राइसेज हैं वो इलाकों के नस्बत बहुत ही मुनासिब है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? यार हमारा नाम है तैमूर भाई, इसका नाम है जवाब। अच्छा तैमूर भाई, बेसिकली हम लोग यहाँ पे आए हैं रेट्स का डिफरेंस मालूम करने के लिए। हम ये बताना चाह रहे हैं आवाम को कि जो इलाके में जो प्राइस है और यहाँ पे जो प्राइस है उसमें कितना फ़र्क है तकरीबन? यार तकरीबन कम अज़ कम से 170-180 का फर्ज करना पड़ेगा। अगर एक मिसाल है, एक अच्छा आम इलाके में 300 रुपये किलो मिलता है, तो यहाँ पे आपके यहाँ क्या हिसाब है? यहाँ पर मैं सुबह सवेरे 200 रुपये बेच रहा हूँ, फिर रात कटिया में 120-125 दो कढ़ाई सौ। अच्छा, सुबह और रात का जो रेट में फ़र्क है इसकी खास वजह कोई? असल बात यह है, ऐसे गरीब लोग होता है किसी का घर में अठा नहीं होता है, ऐसे गरीब लोग होता है किसी का घर में अठा नहीं होता है, वो सस्ता बेच रहे फिर खत्म करवाता है। अच्छा, तो आप लोग रोजाना सुबह नया ताज़ा माल लेके आते हैं? हम लोग ये पुराना माल इधर नहीं रहता है, हम इसको खत्म करवाता है फिर सुबह मंडी सवेरे जाता है फिर ताज़ा माल लाता है। अच्छा, आप आवाम को क्या बताना चाहेंगे कि आवाम यहाँ से आके ले या कहाँ से ले और फ्रेश फ्रूट उनको कहाँ से दस्तयाब हो? ये आवाम को ये बात बोल रहा है भाई, इससे आप लोग ये बाहर इलाके से फ्रूट नहीं ले बैठिए वाला, ये जो इधर जो तेरे तुम लोग को फ्रूट देता है वो सब जो लोग तुम लोग को फ्रूट देता है महंगा 150-200 रुपये ऊपर महंगा देता है वो सारा इधर से हमारे से लेता है। अच्छा, इस गली का एड्रेस आप लोगों को समझा दें। अच्छा, ये गली की एड्रेस है सदर प्रिंस मार्केट के साथ क्वेटा पहलवान होटल के सामने, ये बड़ा जहांगीर पार्क वाला साथ गली में फ्रूट का गली, इसका नाम है।
कि इनसे बात करने के बाद हम अपनी वीडियो को यहीं पे ख़त्म करना चाहेंगे और हम सब आपको बताना चाहेंगे कि आप लोग ज़रूर यहाँ पे एक बार विज़िट करें। यहाँ की जो कीमतें वो इंतहाई मुनासिब है। यहाँ से एक बार फ्रूट लेने के बाद आप लोगों खुद डिफरेंस का आइडिया हो जाएगा। थैंक यू। इमरान खान। आपका? इमरान खान। आपका? खान खान होता है। खान खान होता है। परेशान होता है।